बिल्कुल आप सभी यहाँ बैठे दर्शक युवा बहुत सारी चीजें इसमें होती है, लेकिन फिर आपको गर्व निकलना होगा, मतदान करना होगा। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। आज यहाँ पर क्रिकेट मैच किया और क्या क्या इवेंट है? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए इलेक्शन हमारे लोकसभा 2024 के, और लद्दाख जो है फिफ्थ फेज में है, जिसमें 20 मई को वोटिंग होने वाली है लेह में और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसके लिए स्वीप टीम के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, यूटी नोडल अफसर अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। रिसेंटली हमने बाइक रैली ऑर्गेनाइज़ की थी और आज क्रिकेट मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और अलग अलग इवेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विलेज लेवल पे भी, तहसील लेवल पे भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसका मेन एम ये है कि हमें वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है, स्पेशली लेह डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अगर मैं लास्ट इलेक्शन की बात करूँ तो करगिल में 79% वोटिंग था और लेह में 62% वोटिंग था, तो हमारा जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो हम मोटिवेट करना चाहते हैं हमारे लोगों को, हमारी आवाम को, लेह डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली अलग अलग विलेज लेवल पे जाके, कि आप 20 मई को कैसे भी करके अपने पोलिंग स्टेशन में जाए और अपना जो राइट है वोट देने का उसको एक्सरसाइज करें और अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट रहेगा उसको चुन के ले आए। तो इसके लिए आपके माध्यम से, सारे मीडिया के हमारे जितने भी साथी हैं उनके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि 20 मई को प्लीज़ अपने पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट दें और इंश्योर करें कि आपका जो कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट आपको लगता है उसको आप चुन के लोकसभा में भेजें। सर, जो वोटर लिस्ट की बात करें, ले में कंपाइल हो चुका है कि अभी भी कंपाइल है? जी, वोटर लिस्ट हमारा कंपाइल हो गया है। हमारा जो फाइनल रोल जो है पब्लिश हुआ था जनवरी में, 5 जनवरी को, तो उसके बाद हमारा कंटिन्यूस अपडेशन चलता है, जिसमें बाकी भी जो लोग एलिजिबल होंगे, स्पेशली 1 अप्रैल को लेके, 2024 को लेके, वो लोग भी अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग फॉर्म हमारा होता है, लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन होता है, तब तक हम फॉर्म 6 जो एडिशन का, वोटर लिस्ट में एडिशन करने का, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे, जिन्होंने भी अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया या फिर एनरोल नहीं हुए हैं, वो प्लीज़ अपने BLO के थ्रू या फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म 6 में, जिस तहत लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक, तो उस डेट तक अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इस बार इलेक्शन में जो है 20 मई को वोट दे पाएंगे। सर, और एक सवाल है मेरा, जो आपने अभी 20 मई को अपील किया, लेकिन जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी तैयारी की है, और जो हमारे 85+ एल्डरली पीपल है, इलेक्टर्स है, और दूसरे जो PWD वोटर्स है जिनका 40% एंड अबव फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए जो है होम पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है इस बार इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है। इसके लिए हमने फॉर्म 12D होता है जो हमने अलग अलग BLOs को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो घर से वोट दे पोस्टल बैलेट के थ्रू, उस पर अप्लाई कर सकता है, और फिर हमारी टीम जाके उनके घर में ही जाके उनका वोट रिकॉर्ड करेगी पोस्टल बैलेट के थ्रू, और फिर वो अपना राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इस बार का जो थीम है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ने ये डायरेक्शंस दी है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से इन कैटेगरी के सारी वोटर्स को भी रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारे 85+ इलेक्टर्स और PWD वोटर्स जिनका 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, कि आप इस फैसिलिटी का फैसिलिटी को यूज करें और अपना जो है राइट एक्सरसाइज करें। सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी है क्या? BLO जो है वो अभी भी जो अपनी जगह पे अभी भी है क्या? जी, जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होता, वो हमेशा वर्क करता है बूथ लेवल पे। तो जो फॉर्म 6 जो एडिशन के लिए होता है वो BLOs के पास भी अवेलेबल होता है, और वोटर जो हमारा अप्लाई करके ऐप है इलेक्शन कमीशन का, उस पर भी अवेलेबल रहता है, तो आप फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, तो बाद में वो AERO के पास में आता है, फिर एक्सेप्ट होता है। कुछ जो फिजिकली हैव अ चैलेंज लोग हैं, उनका कहना है कि BLO का कुछ अभी तक नहीं है उनके पास, या हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा लेट करना होता है, जब हमारे इलेक्शंस 26 अप्रैल को हमारा नोटिफिकेशन होगा फिफ्थ फेज का, तो तब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट हमने अभी से फॉर्म तो दे दिए BLOs को, उनको हमने डायरेक्शंस भी दिए कि अलग अलग लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे जाए स्पेशली, जहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट भी है कि कहाँ कहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी और 85+ इलेक्टर्स है, तो उनको हमने डायरेक्शंस दिए, वो अभी जाएंगे, उनको हमने फॉर्म रिसेंटली दिए, तो हाउस होल्ड जाके वो उनका चॉइस लेंगे कि घर से वोट करेंगे या फिर पोलिंग स्टेशन पे आएंगे।
सर आखिर में जो MCC अभी लागू है तो कोई अभी तक कोई वायलेशन का शिकायत? जी हमारे पास 2-3 शिकायतें आई है। तो MCC में ऐसा होता है स्पेशली 2 टाइप के लोगों को अप्लाई होता है, एक तो पॉलिटिकल क्लास जो हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, और दूसरा जो है हमारे एम्प्लॉयज़ है, इनमें मेन इन्फोर्स करना होता है हमें MCC। तो उसके लिए स्टार्टिंग में जो हमें बैनर्स वगैरह निकालने थे सो दैट लेवल प्लेइंग फील्ड, वो हमने कर दिए हैं आपके माध्यम से। वो भी रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर आपको बैनर दिखता है गवर्नमेंट किसी स्कीम का जिसपे पॉलिटिकल फिगर का फोटो, तो वो इमिडिएटली हमारे तहसीलदार या किसी की भी नोटिस मिला है सो दैट हम उसको निकाल दें। और दूसरा जो कंप्लेंट्स आई है उसमें हम नोटिस भेजते हैं कि शो कॉज कि आप पे एक्शन क्यों ना ले जाए, वो हमने नोटिसेस दी हुई है कंसर्न जो जो जिनका कंप्लेंट आई थी कि इन्होंने वायलेट किया है, तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। और इस बार पंच कर दिया है कि SC वाले का बाद 4 रन की।